Assalamu alaikum, you are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. इस लेक्चर में जितना भी हम पढ़ते आ रहे हैं लास्ट वीडियोस में क्लाइंट सर्वर के बारे में, उसकी मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा और उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम कोडिंग करेंगे किस चीज़ की। सपोज करें मैंने एक टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पे मैं s.o यानी सर्वर की एक मैंने फाइल बनाई है, उसका मैंने नाम s रखा है। उसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सपोज करें ये मेरा सर्वर है और ये देखें लिसनिंग स्टेट में आ गया। उसके बाद ये मैंने एक और टर्मिनल ओपन किया, सपोज करें कि ये एज अ क्लाइंट डील करेगा, तो मैंने क्लाइंट की एक और फाइल बनाई हुई है और यहाँ पे मैं उसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। ये एक आर्गुमेंट लेती है कि किस आईपी के साथ इसने कनेक्ट होना है। तो अभी सर्वर क्या है, लिसनिंग स्टेट में है ना, तो क्लाइंट क्या करेगा, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें सर्वर की तरफ मैसेज आ गया है कि सर्वर ने कनेक्शन ले लिया, ठीक है। सर्वर को कनेक्ट हो गया इस आईपी के साथ और सर्वर ने फिर इसको रिटर्न में एक मैसेज डिस्प्ले किया हैलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसकी हम कोडिंग करेंगे, तो चले हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर के ऊपर एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की, ठीक है, और उसके अंदर ये वाला सारा कोड हमने अभी लिखना है। सबसे ऊपर स्टार्ट में आपने ये वाली तीन डायरेक्टरीज ऐड करनी है। सी की लैंग्वेज में जब भी हम कोड करते हैं तो ये डायरेक्टरीज लिखते हैं, ये इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये डायरेक्टरी ऐड की है जब हमें कोई एरर डिस्प्ले करना पड़े उसके लिए, ये डायरेक्टरी ऐड की है। फिर हमने नीचे कोई स्ट्रिंग या कोई करेक्टर यूज़ किया उसके लिए ये डायरेक्टरी ऐड की है। और उसके बाद ये वाली जो दो सिस्टम कॉल्स हैं, जो सॉकेट की सिस्टम कॉल्स नहीं थी सॉकेट क्रिएट करने की, वो इसके अंदर है, उसके लिए हमने ये वाली ऐड की है। उसके अलावा ये वाली जो सिस्टम कॉल है नेट आई नेट और ये वाली और ये वाली, ये सिस्टम कॉल्स हमने इसलिए यूज़ की हैं क्योंकि नीचे जो जो सा है हम कुछ ऐसी यूज़ करेंगे सिस्टम कॉल्स जिनके लिए ये डायरेक्टरीज हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम आते हैं मेन कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पहला काम हम क्या करते हैं कि हम लोग जो उनसे सॉकेट को क्रिएट करते हैं। तो सॉकेट को क्रिएट करने के लिए ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिस्टम कॉल जो उनसे है लिखी है। अच्छा, सॉकेट की जो सिस्टम कॉल होती है, सारी सिस्टम कॉल्स ये क्या करती हैं, अगर तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो तो ये क्या करती हैं, माइनस वन जो उनसा है रिटर्न करती हैं। माइनस वन का मतलब होता है इसमें कोई एरर आया है, ठीक है, और अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो कोई पॉजिटिव नंबर रिटर्न करती हैं। जो जो भी रिटर्न करेगी ये सॉकेट की सिस्टम कॉल उसको हम ये देखें सॉक एफ डी, ये इन टाइप का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम जो उनसा है इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इसका अब जब भी हमें इस सॉकेट को एक्सेस करना पड़ेगा तो ये सॉक एफ डी के जो वेरिएबल है सॉकेट फाइल हैंडलर फाइल डिस्क्रिप्टर, इसको एक्सेस करने के लिए ये वाला वेरिएबल यूज होगा, ठीक है। और अगर तो ये माइनस वन रिटर्न करती है तो फिर इसकी ब्रैकेट्स में आ जाएंगी, तो यहाँ पे ये पी एरर हमने लिखा है और सॉकेट, अगर इसको सॉकेट को क्रिएट करने में कोई एरर आता है तो ये पी एरर वो एरर डिस्प्ले करेगा, ठीक। और उसके बाद जबकि सॉकेट ही क्रिएट नहीं हुई तो फिर हम आगे तो एग्जीक्यूट कनेक्ट वगैरह एक्सेप्ट बाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको एग्जिट कर देंगे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था कि हमने बाइंड करना था, तो नीचे आते हैं, ये हमारे पास जो सा है ना बाइंड की सिस्टम कॉल है। लेकिन बाइंड की सिस्टम कॉल से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके अंदर अपनी जो जिस मशीन को सॉकेट के साथ बाइंड करना होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि वो किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है, सॉक ADDR अंडरस्कोर इन, ठीक है। तो ये हमने एक डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसका नाम क्या है, माय अंडरस्कोर ADDR मतलब माय एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा स्ट्रक्चर को फिल करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसकी फैमिली कौन सी है, अभी हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी फैमिली AF अंडरस्कोर INET लिखी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है माय पोर्ट, हम इसको पोर्ट असाइन कर रहे हैं, माय ADDR इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये
एस इन अंडर स्कोर पोर्ट ये उसका मेंबर है, और इसके अंदर हम इसको माई पोर्ट असाइन कर रहे हैं। माई पोर्ट क्या चीज़ है, ये ऊपर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। माई पोर्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और जिसमें पोर्ट नंबर क्या 3490, ये इसका पोर्ट नंबर है। और ये हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया डिक्लेयर किया है उसको डिफाइन से किया है। डिफाइन से वेरिएबल डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या होता है, इससे हम वेरिएबल को ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, ठीक है, और ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था इंट, ठीक है, और इज इक्वल्स टू लिखता, तो ये इस तरह भी हो सकता था मेन के अंदर, लेकिन हमने इसको डिफाइन किया है, डिफाइन करके किया है, जिससे क्या होगा कि ये ग्लोबल स्कोप इसका होगा और इसकी एग्जीक्यूशन भी फास्ट है, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी हमने जो उनसा है फैमिली फिल कर ली है, उसके बाद हमने जो उनसा है पोर्ट फिल कर ली है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एच टर्न्स लिखा हुआ है। एच का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क पे डाटा सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, होस्ट में जो डाटा पड़ा होता है, कंप्यूटर में जो डाटा पड़ा होता है, उसको किस में करते हैं, नेटवर्क बाइट ऑर्डर में। तो यहाँ से हम होस्ट से नेटवर्क बाइट ऑर्डर में डाटा डिक्लेयर कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये एस का मतलब है शॉर्ट, यानी शॉर्ट डाटा टाइप में डाटा कन्वर्ट होगा, क्लियर। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो थर्ड होता है, इसमें हम आईपी भी असाइन करते हैं उस डाटा स्ट्रक्चर को। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है सॉक addr_in माई एडर, और उसके अंदर ये वाला एक और स्ट्रक्चर है जो कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, और ये इस स्ट्रक्चर का मेंबर है। इसके ये स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो कि आईपी को स्टोर करता है, और इसके आगे हमने जो सा लिखा हुआ है इन addr_any, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पास अभी जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, ये सॉकेट उन सब के साथ बाइंड हो सकती है, ठीक है। जितने भी अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं नेटवर्क के ऊपर इस कंप्यूटर के साथ, ये सब उनके साथ, ये सॉकेट जो हम बना रहे हैं, ये उन सब के साथ बाइंड हो सकती है, क्लियर। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैम सेट एक फंक्शन है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। अच्छा, उसकी एग्जाम्पल के लिए, हाँ देखिए, मैंने एक छोटा सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक करेक्टर अरे डिक्लेयर की है जिसका साइज 50 है। उसके बाद मैं strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी को यूज़ करते हुए, इस सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए, ये वाला जो सारा स्ट्रिंग है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट इस करेक्टर अरे को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। जब इसको हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे स्क्रीन पर ये वाला जो स्ट्रिंग लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। वो चेंजिंग ये है कि सबसे पहले मैंने अरे डिक्लेयर की, उसके बाद इसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद ये मेमोरी सेट का मैंने फंक्शन लगाया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग था एस, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पास कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। सेकेंड पे ये डॉलर का जो सिंबल है वो पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेंथ पास कर रहा हूँ 7, और फिर उसके बाद एस को जो सा है एस को फिर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखें पहले इसकी आउटपुट जो सी थी ये आ रही थी ना, उसके बाद अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइल करने के बाद तो इसकी आउटपुट ये आएगी। इससे क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, ये वाला स्ट्रिंग हमने इसको इनपुट दिया, और साइज लेता है कितना था 7, तो फर्स्ट जो 7 करेक्टर्स थे वहां पर, जो यहाँ पे हम सेकेंड आर्गुमेंट में डालते हैं लिखते हैं, वो वहां पर डाल देता है। तो ये आप देख सकते हैं पहले ये आउटपुट थी और अब ये वाली आउटपुट आ रही है। तो ये मेमोरी सेट का फंक्शन होता है, ये मेमोरी को सेट करता है, एक इनपुट लेता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं उस मेमोरी में उतने करेक्टर्स में जितनी हम यहाँ पे लेंथ पास करते हैं वहां पे ये वाला डॉलर अभी हमने पास किया ना, तो डॉलर सेट कर देता है, क्लियर। अब उसके बाद वापिस आते हैं यहाँ पर अपने कोड में। ये मेम सेट का फंक्शन यहाँ पर मैंने क्यों यूज किया है, यहाँ पर मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सॉक addr_in का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये वाला जो मेंबर होता है s_in_0, ये हमारे काम का नहीं होता, इसको हम यूज नहीं करते।
ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, इसका जो भी साइज था, साइज ऑफ का जो फंक्शन होता है वो क्या काम करता है, वो एक वेरिएबल को इनपुट लेता है और उसका जितना भी साइज होता है ना उसकी लेंथ कर लेता है। अभी इसकी साइज सपोज करें 8 है ना, इसकी लेंथ 8 थी, तो यहाँ पर जो सा है 8 लिखा हुआ आ जाएगा इधर थर्ड आर्गूमेंट की जगह, ठीक है। वो उसका साइज कैलकुलेट कर लेगा। और ये जो ये वेरिएबल है इसके अंदर इन 8ों लोकेशंस पे, ठीक है, मेमोरी को क्या सेट कर देगा, यहाँ पे ये नल टर्मिनेटर, नल करेक्टर यहाँ पे सेट कर देगा। जिस तरह वहां पे डॉलर सेट हुआ था, यहाँ पे टर्मिनेटर सेट हो जाएगा। वो इस वजह से, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये हमने यूज ही नहीं करना, ये जस्ट हमने इसलिए उस स्ट्रक्चर में लिखा था ताकि दोनों स्ट्रक्चर का जो साइज है वो 16 bytes का हो जाए। क्लियर। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो सा है माई ए डी डी आर इस वेरिएबल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो जो है स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन जिस मशीन को कनेक्ट करना है, अभी हम अपने आप को कर रहे हैं ना, सर्वर की इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो हमने उसके अंदर डाल दी है। अब हम करेंगे उसको बाइंड। तो ये देख सकते हैं ये बाइंड की सिस्टम कॉल है, यहाँ पे हमने बाइंड की सिस्टम कॉल लगाई। सबसे पहले आर्गूमेंट में हम ये लिखते हैं कि इस सॉकेट को, ठीक है, ये सॉक एफ डी क्या है, ये जो ऊपर हमने ये सॉकेट क्रिएट की थी, मैंने कहा था जब भी इस सॉकेट को जो क्रिएट की है अभी हमने उसको एक्सेस करना हुआ तो सॉक एफ डी इसके अंदर आ जाएगा ना वो नंबर, तो ये यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको ये कह रहे हैं कि ये सॉक एफ डी इस सॉकेट को तुम बाइंड कर दो किसके साथ, ये जो सेकेंड आर्गूमेंट में हमने पास किया है ये वाला, इसके साथ इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेट इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो आईपी पड़ी है, जो पोर्ट पड़ी है, जो ऊपर हमने फिल किया था, इसके साथ इसको बाइंड कर दो। और वही बात है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एंड लगा के हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की है। ये भी आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो बाइंड की सिस्टम कॉल होती है वो सॉक ए डी डी आर को एक्सेप्ट करती है, जबकि हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सॉक ए डी डी आर अंडर स्कोर इंक है, इसलिए हमने एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया, ठीक है, सॉक ए डी डी आर अंडर स्कोर इन डेटा टाइप को सॉक ए डी डी आर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये साइज कैलकुलेट करता है कि इसका कितना साइज है, इसकी लेंथ आ जाएगी माई अंडर स्कोर ए डी डी एन इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और अगर तो ये माइनस रिटर्न करता है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है बाइंड होने में, बाइंड नहीं हुआ। तो अगर तो बाइंड नहीं हुआ, -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम एरर डिस्प्ले कर रहे हैं, पी एरर के बाइंडिंग में जो भी एरर आया है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दो और उसके बाद बंद हो जाओ, क्योंकि लिसन तो करने की फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब बाइंड ही नहीं हुआ तो लिसन कैसे हो सकता है। अच्छा, अभी हमारे 2 steps हो गए हैं, अब हमने सॉकेट क्रिएट भी कर ली है सर्वर के ऊपर और सॉकेट को बाइंड भी कर। अच्छा, उसके बाद ये लिसन की जो सिस्टम कॉल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए, अब सॉकेट बाइंड हो चुकी हुई है, अब सर्वर क्या कर रहा होता है, लिसन कर रहा होता है। लिसन की कॉल लूप बैक कॉल होती है, यानी कि ये वेट करती रहती है इस वक्त तक, आगे तब तक प्रोसेस नहीं चलता जब तक कि इसको क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट नहीं आती, ठीक है। अच्छा, ये 2 arguments लेती है, एक सॉक एफ डी यानी इस सॉकेट पे जो सा है लिसन करो, ठीक है, और उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट जो आपको नजर आ रहा है ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है बैक लॉक। बैक लॉक क्या होता है, बैक लॉक ये क्या होता है कि जब सपोज करें कि एक रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट की सर्वर को, सर्वर ने क्या किया उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह जब उसके बाद एक और रिक्वेस्ट आई, करते करते 7,000 requests आ गई, तो सर्वर 7,000 requests को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि बैक पे जितनी भी रिक्वेस्ट आई होती हैं क्लाइंट की, उनका हम रिकॉर्ड बना लेते हैं, उनकी क्यू बना लेते हैं एक, ठीक है, उनकी एक क्यू बन जाती है। वो फिर एक एक करके जैसे जैसे सर्वर उसको एक्सेप्ट करता जाता है तो वो उस क्यू से निकलती जाती हैं। तो ये बैक लॉग जो रिकॉर्ड होता है कि क्यू का साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितनी रिक्वेस्ट जो है क्यू के अंदर आ सकती है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया है डिफाइन बैक लॉग 10, यानी कि इसका मतलब है कि वो जो क्यू बनेगी उसके अंदर मैक्सिमम 10 connections आ सकते हैं, ठीक है। सपोज करें कि 10 से ज़्यादा connections अगर आ गए हैं तो सर्वर जो सा है उनको इंटरटेन नहीं करेगा, उनको रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है -1, अगर तो इसमें कोई एरर आता है तो उससे फिर एरर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा अगर कोई एरर आता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रिक्वेस्ट आएगी जब उसके बाद क्या होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब सर्वर लिसन कर रहा था,
क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, जैसी रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सर्वर जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो बात क्या इस तरह की है कि सर्वर के पास भी तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं कौन से क्लाइंट से मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है देयर एडर, ये भी हमने ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो सा है डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे जो सा है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सेप्ट की सिस्टम कॉल है, ठीक है। यहाँ पे सीन अंडरस्कोर साइज, इस जो उनका जो एड्रेस है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का साइज हमने कैलकुलेट करके इसमें कर लिया, इसके अंदर रख लिया, क्योंकि थर्ड आर्गुमेंट में हमें ना पास करनी पड़ती है लेंथ। अच्छा, ये एक्सेप्ट की सिस्टम कॉल थी। सबसे पहले हमने कहा कि इस सॉकेट पे लिसन सॉरी एक्सेप्ट करो, ठीक है, इस सॉकेट पे एक्सेप्ट करो। उसके बाद एक्सेप्ट किससे करो, वो जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देर एड्रेस में रखी थी ना यहाँ पर, तो उसके बाद आपको पता है एक्सेप्ट की जो सिस्टम कॉल होती है वो भी उसके लिए भी हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है इसी तरह जैसे हमने बाइंड के लिए की थी। और उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट में हम लेंथ पास करते हैं, तो ये उस स्ट्रक्चर की जो लेंथ हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, साइज उसका कैलकुलेट किया है, वो यहाँ पर आ गया। और उसके बाद अगर तो जो इंसा है ना उसमें कोई एरर आ जाता है एक्सेप्ट होने में, ठीक है, तो वो -1 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद अगर एरर आ जाता है तो -1 के इक्वल आ जाएगा, अगर तो एरर नहीं आता तो वो फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अब ये जो क्रिएट हुई एक्सेप्ट हुआ, इसको हमने जो इंसा है न्यू अंडरस्कोर FD के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। और अगर कोई एरर आ जाता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये स्क्रीन पे एरर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, कि एरर हो गया। और अगर इसमें कोई एरर नहीं आता एक्सेप्ट करने पे तो स्क्रीन पे जो है मैंने आपको दिखाया भी था कि ये लिखा हुआ आता था प्रिंट एफ, सर्वर ने एक कनेक्शन लिया है और उसके बाद IP आती थी उसकी। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया बताया था कि ये क्या होती है सिस्टम कॉल, ठीक है। ये सिस्टम कॉल से हाँ जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन थी उसके लिए हमने ये वाला डाटा स्ट्रक्चर रखा था ना देर अंडरस्कोर एडर, इसके अंदर हमने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन रखी थी। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं कि उस क्लाइंट का ये क्लाइंट वाला डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से जो सा है हम क्लाइंट का जो IP एड्रेस है वो डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो फंक्शन है मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है IP के फॉर्मेट को बाइनरी से ASCII में कन्वर्ट करता है, फिर ASCII से हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्क, ये नॉट फोर्क लिखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, उस तरह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, ठीक है। अच्छा, फोर्क की जो सिस्टम कॉल होती है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक नया चाइल्ड क्रिएट करती है। इससे क्या होगा, अगर तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो ये क्या होगा, एक नया चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये एक नया चाइल्ड क्रिएट हो गया, मैंने एक और फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर सारा कोड लिखा है आपको समझाने के लिए, अभी दो फाइल्स हो गई हैं। अच्छा, फोर्क की कमांड जो सी है क्या रिटर्न करती है, पेरेंट को चाइल्ड की ID रिटर्न करती है, ठीक है, और जो चाइल्ड होता है उसके अंदर ये क्या रिटर्न करती है, 0 रिटर्न करती है, ठीक है। फोर्क इज इक्वल्स टू 0, ये इज इक्वल्स टू 0 हमने तो ये लिखा था। तो ये जो फोर की कमांड थी इसने चाइल्ड की ID रिटर्न की है सक्सेसफुली, अगर चाइल्ड क्रिएट हो गया। सपोज करें चाइल्ड की ID 25 थी तो ये कंडीशन क्या इक्वल हुई है, इफ 25 इज इक्वल्स टू 0 तो फॉल्स हो गई है। इसका मतलब है ये वाली जो इफ की कंडीशन है, ठीक है, ये वाली नहीं चलेगी, तो यहां तक कोड इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है क्लोज सॉक जो सा है क्लोज हो जाएगा और न्यू अंडरस्कोर FD, ये क्या है कि जो सॉकेट हमने ऊपर एक्सेप्ट की थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर FD, ये जो एक्सेप्ट की थी इसको वो क्लोज कर देगा, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी सॉकेट जो हमने एक्सेप्ट की थी, और यहाँ से रिटर्न 0 करके यहाँ से खत्म। लेकिन जो चाइल्ड प्रोसेस था वहां पे भी इसकी कॉपी ही जनरेट होती है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था फोर्क की कमांड चाइल्ड में जो उनसा है 0 रिटर्न करती है, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप मैंने दूसरा चाइल्ड दूसरी दूसरी फाइल है चाइल्ड वाली, यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे तो ये जो उनसा है ना
इक्वल होगी, कंडीशन ट्रू होगी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सा है ये वाला कोड चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, वो सॉकेट जो सॉक एफ डी जिस पे हमने लिसन किया था, सबसे पहले उसको क्लोज कर दें, क्योंकि चाइल्ड में हमें लिसनिंग वाली सॉकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पे हमने एक्सेप्ट किया था वो वाली ज़रूरत है, ठीक है, उस पे हम डाटा सेंड करेंगे। तो ये देखें आप, सेंड वाली सिस्टम कॉल है, सेंड रिसीव को यूज़ करते हुए हम आपस में डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। सेंड की सिस्टम कॉल भी ऐसी होती है, सेंड इस सॉकेट पे, ये वही सॉकेट है जिस पे हमने एक्सेप्ट किया था, इस सॉकेट पे सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो, जो सेकंड आर्गुमेंट में हम पास करते हैं, सेकंड आर्गुमेंट में हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे पास हो जाएगा। और जो इसकी लेंथ होती है हेलो वर्ल्ड की, थर्ड आर्गुमेंट में हम यहाँ पे पास करते हैं, और लास्ट में हमने जीरो पास कर दिया, जीरो पास करते हैं सेंड में, ठीक है। और इज इक्वल्स टू -1, अगर तो ये -1 के इक्वल है तो फिर अगर तो फिर जो उनसे है ना, ये वाला मैसेज सेंड नहीं होगा और ये वाला एरर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, पी एरर, यानी कि सेंड करने में एरर आया। और ये साइज ऑफ मतलब साइज कैलकुलेट करता है, और इन्फो ऊपर हमने TCP अंडरस्कोर इन्फो का जो उनसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इन्फो, ये क्या करता है कि ये बताता है कि TCP इन्फो की जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, TCP किया है ना हमने, इसकी क्या कंडीशन थी ये हमें बताता है, ठीक है। और फिर ये इन टाइप का ऊपर हमने OPT LEN लेंथ का हमने जो है ना इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वो इसके अंदर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी हम सॉकेट को क्लोज कर देंगे और फिर ये एग्जिट कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर तो एक्सेंड हो जाता है, ठीक है, मैसेज सेंड करके सिंपल वो क्या कर रहा है कि अब पेन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैसेज हमने सेंड कर दिया क्लाइंट को, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे भी हम सॉकेट को क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये क्या काम कर रहा है, ये सर्वर वेट कर रहा है जब तक क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट नहीं होता। जब क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट होता है तो ये वाला देखें उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की सिस्टम कॉल यूज़ करते हुए एक्सेप्ट करता है, और उसकी तरफ ये वाला सेंड का मैसेज यूज़ करते हुए हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ आता था ये वहाँ पर डिस्प्ले कर देता है, उसको सेंड कर देता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आई, आप फेसबुक पे मैसेज करके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्लाइंट का कोड लिखेंगे, वो भी बिल्कुल इस तरह का ही है, आपको ये समझ में आ गया तो वो भी बिल्कुल एजिस है, उस पर कम टाइम लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।